अहिरा पंडित जी के बहुत कहानी सुनौला, तू बहुत सुनौलो। अब हम एगो कह लोग कहनी कहनी कह दी कहब लोग तब कह ना तो ना कह। एगो स्कूल में लड़का पढ़त रहल सन, ओकरा में और कुल जात तो सब रहे, लेकिन एगो अहिर के लड़का बड़ा खर्चूली रहे। वो लड़कवन में नाव रहे मंगरुआ, मंगरू नाव कोई तो केहू खिसियाई मत भैया। मंगरुआ बहुत चूली टाइप के रहे, बहुत बदमाश रहे, उज्जर टाइप के। और क्लास टीचर रही इनही नियन मैडम नीतू राज नियन, क्लास टीचर मान जो पहले हाजिरी लेवे जाइल जाला ओके क्लास टीचर कहल जाला। पहली घंटी में जे स्कूल में जाला क्लास में ओके क्लास टीचर कहल जाला। का मत साहब तो क्लास टीचर मास्टर से ओ मैडम रहली नीतू नियन इहे उमर यो रहा मन ओकर ओकर तू हाजिर बनल जात रहला गल अनि देखले रहनी कपार पर के बार झड़ गेले बार से का मतलब काम से मतलब कि बार से मतलब बार बहुत बा बार तो बहुत ज्यादा अब हाला भइल स्कूल में कि काल डिप्टी साहब आवेला। डिप्टी साहब पहले भाई आवे लोग सरकारी स्कूल में महीना दो महीना पर चेक करे हलचल स्कूल में मच गई। काल डिप्टी साहब एहन काल डिप्टी साहब एहन हेडमास्टर सबके सावधान कर दिलन। तो मैडम कहली कि देख मंगरू कल तोर छुट्टी हो गई, काल तू मत आइए। काल डिप्टी साहब आए वाला बण तो सोचलस कि भाई कुल लड़का पढ़े जैसे काल डिप्टी साहब एहन मैडम हमारा के माना कर तारी एक मतलब जना ताकि डिप्टी साहब लड़कन के कुछ भटी हन कुछ दी हन आई हमरा के मना कर तड़ी। दूसर का दिन मना कैले रे लेकिन सबका ले पहले पहुंच गई स्कूल में। मैडम देखली कहली करे मगर तू आ गया जात के अहिर रहे अहिर देख हमार जात बड़ा शुद्ध जाति है नीतू हमार जात बड़ा शुद्ध जाति है। अरे बुर्बक उ पानी ना में रहल जाला जानत तोरा पता नहीं के ओके शुद्ध कइल जाला। तोरा नियन आदमी के बेशुद्ध कइले दे दे जा दिन भर लोटा लेके दौड़ रहबे तो उ शुद्ध कइल जाला उ पानी ना में रहल जाला। बंगरुआ चल गेल दूसरा दिन एकदम स्कूल में पहले ही मैडम देखली स्कूल लागल हाजिर बनल मंगरू पहले हाजिर कहली कि अरे तू आ गया मंगरू खड़ा होकर मुंह लटकौ ले तुमको मना किए थे ना कि मत आना तो बोलते नहीं के। मैडम कहली अच्छा ठीक है तुम पीछे सबसे जाओ सबसे पीछे जाओ और जाकर बैठना बैठो चुपचाप कोई कितना हो बोलाए बोलना मत। कलश ठीक बाटे मैडम ठीक बा हम नहीं बोलेंगे ना बोलो। डिप्टी साहब अलन और डिप्टी साहब अपन कुल क्लास में घूमत घूमत पहुंचलन मंगरू के क्लास में लेकिन के देखलन कहलन कि बच्चे तुम लोग तो बहुत अच्छे हो पढ़ाई अच्छी होती है कुल लड़का कहलन हाँ सर पढ़ाई अच्छा हो। कहलन कि ठीक है पढ़ाई अच्छी होती है तो एक मेरा सवाल बताओ तुम लोग तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा ये ना पूछ ले रहा कलन की तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा। और कुल लड़का चुपचाप लगौले बड़ा सुन आ मंगरुआ पीछे से कब हाथ हेतर ऊपर उठावता तो मैडम हेतर टिकट दे गणूर के तुरंत नीचे कर ले। मैडम आंख से तू करस की ना बैठो अपन हाथ नीचे कर ले। कौनो लड़का बोलत नहीं कर सन बोलन कि बोलो तीन में से दो जाएगा तो तुम लोग बताओ क्या बचेगा क्यों बोलत नहीं।
फिर एक बेर मंगरुआ मैडम के चार ओरती कह के एतर हाथ ऊपर कल टिकट फिर नीचे कल डिप्टी साहब के नजर पड़ गए मंगरुआ कहल कि भाई वो तो लड़का हाथ उठाना चाहता है लेकिन बात क्या है कहल कि बेटा उठ जाओ खड़ा हो जाओ। अब तो मैडम के एकदम गर्मी होके लागल कहली कि नौकरी गई हुए नौकरी गई लब तो कहल कि बेटा तुम कुछ बताना चाहता है बताओ तीन में से दो जाएगा कितना बचेगा। मंगरुआ कहलस के साहेब तो के डिप्टी साहब बना दिया। अब तो मैडम और अब ले ले नौकरी ले लिया साहब पक्का अहिर बाटे कल की बताओ बेटा आखिर तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा। कलश की तो के हम ये पूछता नहीं कि डिप्टी साहब बना के दिया के बना दिया तो के डिप्टी साहब कल की क्या हुआ क्या हुआ मैंने तो सवाल तुमसे का पूछा कि तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा। कलश के फिर कहता तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा तार सवलवे गलती बाटे। डिप्टी साहब थोड़ा देर तक एकदम भक मार दिया कल कि यार ये तो गजब लड़का है कह रहा है कि सवलवे गलती है। कल कि अरे बेटा हमने सीधा सवाल पूछा है कि तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा। कल के फिर कहता कि तीन में से दो जाएगा महाराज कहीं के डिप्टी साहब तुहरा के बनौलस के बनल कैसे तीन में से दू को कबो जइबे ना कर ना कबो आज तक गइले नहीं खे तीन में से दू ना। डिप्टी साहब कहलन के अरे क्यों नहीं जाएगा भाई। कल के फिर कहता मंगरू का तो फिर कहता कि क्यों नहीं जाएगा तीन में से कबो दू को जइबे ना करी जब जाई तय कही जाए। साला डिप्टियो साहब के माथा फे चकरा गई कल कि तीन में से दो नहीं जाएगा। कलश कि ना कबो गईले नहीं खे कैसे जाइए ना कबो गईले नहीं खे तीन में से दू गए गो दू गो जब गई बा तय कही गई बा तहरा अगर जानकारी नहीं खोके तो मैडम से पूछ ला। हाँ पूछा और ही बना दिया पूछा मैडम से मैडम बाहर निकल उनका उनका पसीना पर पसीना चलत हटे वही दादा अब का हुई अब तो नौकरी गई। कलश की तारा अगर डिप्टी साहब पता नहीं के तो मैडम से पूछा उनका पता बा तीन में से दू गो जेबे ना करला जब गई बताए कही गई का हो मैडम। डिप्टी साहब से मंगरुआ कहता अब डिप्टी साहब वो ओकर बात सुन के मैडम अपन स्कूल से क्लास से टवली जोरा हो रहा सेना भइल बा तरह तरह डिप्टी साहब खड़ा बणो वो चंबित बणो साला वो परेशान बणो गजब लड़का है। कल कि ठीक है बेटा मैं मान गया कि मेरा सवाल गलत है अब तुम सही बताओ तीन में से दो क्यों नहीं जाएगा एक ही क्यों जाएगा। कलश के फिर आप कह रहे हैं साहब कि दो जाएगा जब गया है तो एक ही जाए गया है और जब जाएगा तो एक ही जाएगा दोनों जइबे न कर जब जाए तो एक ही जाए दोनों ना जाए एक समय का हो हम नहीं के कह कहता मंगरू अहिर कहता कि जब जाइते कही जाइए कहलन कि बताओ कैसे। कलश की सुनी साहब तीन में से जब गई बा तय कही गई बा कैसे कि तीन गो लोक बा आकाश लोक ऊपर आ नीचे पाताल लोक आई बिचवा में मृत लोक है जहां हमने के बाने जा तो ए साहेब आकाशो लोक अस्थिर बा पाताल लोक भी अस्थिर बा आई जन बिचवा में मृत लोक बा एही में लोग एगो आवेलन जालन आवेलन जालन तही मृत लोकवे के लोग आवेलन जालन तो आकाश लोक पाताल लोक तो अस्थिर बा एही मृत लोक के लोग आते हैं जाते हैं तेज से तीन में से दोनों ना जाई एक ही जाई।
ताली बाज गई, कुल लड़का ताली बजौल सन और कहलन कहलन वो डिप्टी साहब की साबस बेटा, जो हमको जानकारी नहीं थी वो तुम जानकारी दे दिया, और तुम्हारे क्लास की जो क्लास टीचर है मैडम, तुम लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, मैडम को प्रमोशन किया जाए, तुमको मॉनिटर बना दिया जाए। अब उनका के प्रमोशन करके क्लास टीचर से हेडमास्टर बना दिया। नौकरी